दमदाह नगर पंचायत विराट जन सम्मेलन समारोह स्थान नेहरू चौक शिव मंदिर प्रांगण में जिला स्तरीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि को मनाई गई, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों से बड़ी संख्या में जननायक कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले और सभी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बच्चों के द्वारा तमाम गणमान्य लोगों के लिए स्वागत गान गाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पंचायत धमदाह के मुख्य पार्षद रानी देवी, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश कुमार ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जोरदार तालियां, इंकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इधर तक ये बात यह है कि हम लोग सम्मेलन में बैठे हैं, खेद भी हो रहा है कि मैं समझता हूं यह पूर्णिया जिला का यह सम्मेलन, मैं समझता हूं कि धमदाह रुपौली भवानीपुर पूर्णिया को छोड़ दीजिए और अन्य जगह को छोड़ दीजिए, इससे 10 गुना भीड़ बढ़ सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग अपने काम से फुर्सत नहीं, दुख की बात यह है कि हम अपने स्वजाति के प्रति या अपने दायित्व के प्रति या अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए सबों ने हमें आज तक ठगा है। आज देखिए चुनाव का माहौल आता है, हम लोग सबके पीछे दौड़ जाते हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, मैं भाषण नहीं देना चाहता अपने परिवार में, भाषण की कोई बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे युवा भाई हमारे नाई जाति से मुखिया क्यों नहीं बनेगा, सरपंच क्यों नहीं बनेगा, एमपी एमएलए का कैंडिडेट क्यों नहीं होगा, क्या हम किसी से कम है? ये अपने आत्मशक्ति को जगाना होगा, तभी जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि भारत रत्न की बात, हम लोग जब संघ है शक्ति कलयुग है, यह कलयुग है, जब हम लोग संगठित नहीं होंगे हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। ये अंग्रेजों के समय में फूट डालो और शासन करो की नीति आज भी बरकरार है, इसलिए हम चुनाव में अपने स्वजाति के लोग यदि खड़े होते हैं उसको छोड़ करके अपने आप को 500,000 रुपया में बेचकर और अपने न्याय को वंचित कर देते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? इसलिए यह सम्मेलन जहां भी होना चाहिए, अपने रुचि जिस तरह हम लोग अपने बेटी की शादी में सारी व्यवस्था को करते हैं, ठीक उसी तरह जब सम्मेलन की बात हो, जब नाई समाज के सम्मेलन की बात हो, तो प्रत्येक माताएं, प्रत्येक युवा साथी, प्रत्येक हमारे सैलून चलाने वाले भाई सबको दुकान बंद कर देनी चाहिए एक दिन के लिए और एक साथ बैठ करके सारी बातों को सुननी चाहिए। आज आदिवासियों का संगठन है, जूता पॉलिश करने वाले का संगठन मजबूत है, आज एसटीएससी का संगठन मजबूत है, लेकिन हम लोग इतना चालाक है कि अपना संगठन के प्रति मेरा ध्यान ही नहीं है, इसलिए हम बहुत नहीं कुछ कहते हुए मुझे जो जितना समय मिलता है, मेरे पास आज तक के समय में मेरे कानों में कोई भी
हमारे नाई समाज के लोग यदि मुझे गांव में बताते हैं कि फलाना जगह फलाना के साथ आपके जाति के साथ शोषण होता है तो मैं 12 बजे रात में पहुंचने का काम करता हूं। 2-3 घटना से मैं अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपको मन से कह रहा हूं, मेरा एक उदाहरण है समाज में। मैं सामंतवादियों से आज भी लड़ रहा हूं अपने स्वजातियों के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2-3 घटना से। मैं सहरसा सब्याई गांव गया था, वहां सामंतियों ने जमीन के कारण अपने नाई का 7 से 8 घर को जला दिया गया था और जमीन दखल कर लिया गया था। मैं अपने सफारी से मुझे जब मालूम हुआ, मैं पेपर में पढ़ा तो मैं पूर्णिया से गया उसके लिए सारा सामग्री लेकर के, और वहां के जिला अध्यक्ष को मैंने बहुत धुतकारा और सबों को साथ लिया और सबों को मैंने वस्त्र पहनाया, खाने की व्यवस्था किया और वहां के एसडीओ से बात किया और 9 आदमी को इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। आज के नए समाज बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे दबे कुचले समाज, आप एक बात बोले सर, कर्पूरी जी सिर्फ पिछड़े के आए आदिवासी या हरिजन के लिए तो करते, वो बात नहीं है। ये पूरे गरीब के जितने भी हैं, ST ST और आदिवासी पिछड़ी, सब पर काम किए थे और 27% जो है सो उन्हीं इसी के लिए इनको दिया गया था, और इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे, क्योंकि आए दिन हम लोगों को बार बार जो बोल रहा है बिहार में भी खड़गंत चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आरक्षण को बरकरार रखने के लिए जो करना होगा करेंगे जी, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण को समाप्त करने की बात कही जा रही है जी। इस आरक्षण पर जो खड़गंत चला रहा है उसको नहीं होने देंगे हम लोग, जो है पूरा जेल भर देंगे बिहार के। आर्थिक आरक्षण की बात हो रही है, आपके हिसाब से आर्थिक आरक्षण सही नहीं है, जातिगत आरक्षण ही होना चाहिए। जातिगत भी होना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी जी जो दे करके गए हैं उसको बढ़ाना है। हमारा 52% जो है संख्या है, हमको 52% मिलना चाहिए, लेकिन वो पहली अथी में जो है 27% किसके लिए दिया गया था, सिर्फ OBC के लिए, जिसको बाद की सरकार जो है उसमें Annex 1 Annex 2 को जोड़ दिए। हम लोगों को जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा, बट जाता है, उतना ही नहीं और जो है अन्य जाति को जो है सो पिछड़ी में ला दिए हैं। अब पिछड़ी में जब लाए हैं तो हम लोगों को जो मांग है वो आरक्षण फार्मूला के तहत ST ST में जो है देना चाहिए। भारत रत्न की मांग हो रही है, लेकिन क्यों नहीं दी गई? अभी आप लोग देख रहे हो कि हर एक पार्टी कर्पूरी जी का जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? उनका सिर्फ उद्देश्य है कि हम वोट हासिल करें। अगर उनको उतना ही मन में भाव है तो कर्पूरी जी को भारत रत्न इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल की गई नहीं है। और हम भारतीय नाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश कुमार ठाकुर यह हर जगह हर राज्यों में जाके लोगों को जागरूक करते हैं और भारत सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न उपाधि दी जाए। अगर सरकार सहनशीलता के साथ दे देती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए हमको हर स्टेट से लोगों को लेके दिल्ली पहुंचना पड़ेगा और जिस हाल में हो उनको भारत रत्न की उपाधि देना पड़ेगा। ऐसा कारण होने का कारण हम लोग स्वयं हैं कि हमारे समाज के लोग इस पे जागरूक नहीं हो रहे। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन सरकार को यह भारत रत्न देने के लिए बाध्य कर देगी, क्योंकि हमारा वोट 4% है और निर्णायक वोट है। हम जिधर जाएंगे उनका जो है सो मतलब पार्टी में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, नहीं देखा जाने के कारण है। हम लोग स्वयं उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने समाज को जागरूक करने चाहते हैं। जब हम अपने घर को मजबूत कर लेंगे
आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा समाज हर स्टेट में जागरूक हो गया और जागरूक होने के कारण हमारे लोगों को महत्व देना शुरू कर दिया। आज पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाते हैं या कोई पार्टी से टिकट मिल रहा है, यह हमारा समाज का जागरूकता का कारण है। यहाँ इतने दिन से लोग थे लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग इस पे गहन चिंतन नहीं किए और अभी जितने हमारे शिक्षक शिक्षा संबंधी लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उनको यह आभास हुआ कि हमको इस पे कार्य करना चाहिए और लोग आगे आके हमारे सभी जातियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि हमको भारत रत्न की उपाधि यथाशीघ्र दे। भारत बिहार में भारतीय नाई समाज की संगठन के द्वारा हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। पहले उन लोगों को शिक्षा से जागरूक कर रहे हैं जो हमारे समाज के लोग जो अपने काम कर रहे हैं। तो बिहार में केश कला बोर्ड का मैं स्थापना करना चाहता हूं जो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुरू है। सरकार के वहां जो है सो केश कला बोर्ड के लिए जैसे ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, उसके चलाने के लिए 11 लाख रुपया सरकार दे रही है जिसमें 50% जो है माफ है और जो 50% है वो मात्र 3% पर 3 साल तक जमा करने की बात है। तो वो केश कला बोर्ड का स्थापना बिहार में हो इसके लिए हम बिहार सरकार नीतीश कुमार से भी आग्रह किए हैं और मांग भी की है। दूसरे तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर प्रत्येक जिला में सभागार हो जो नाई समाज की बहु बेटी और बच्चे की शिक्षा दीक्षा एवं शादी विवाह का एक स्थान सुनिश्चित किया जाए। तीसरा है कि हमारे जो समाज की लोग हैं वो सर्जन टाइप की लोग हैं, वो मेडिकल टाइप की लोग हैं और लोगों की केवल उनके शरीर से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो मेडिकल टाइप के लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं जैसे कि MBBS, BDS या BMS, ऐसे बहुत से संस्था है जो नाई समाज का और अति पिछड़ा के समाज के इस बराबर में रखा जा रहा है। हम विशेष तरह से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि खास करके कि नाई समाज को प्रत्येक हॉस्पिटल में और नाई समाज को ड्रेसर में हो या OT टेक्नीशियंस में हो या ऑफ्थेल्मिस में हो, इस नाई समाज को विशेष रूप से भर्ती किया जाए। दूसरी तरफ MBBS को जो नीट के थ्रू दिया जाता है, नीट में जो कंपनसेशन किया जाए और इस समाज को हर मेडिकल कॉलेज में एक कोटा बनाया जाए, कम से कम 5% प्रत्येक जिला से हमारे समाज को लिया जाए। यही सब मांग लेकर करके हम पूरे बिहार में नाई का जन्म दिवस और नाई का पुण्यतिथि जो नायक कर्पूरी ठाकुर ने पूरे बिहार को जो आरक्षण दिया वो आरक्षण हम लोगों को अलग से दिया जाए। साथ ही कर्पूरी फार्मूला जो चल रहा है पूरे बिहार में वो पूरे 29 स्टेट में चले, पूरे भारत में चले और अति पिछड़ा को मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में मिले।